हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रोहित एमएलटी में। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो पूरी दुनिया में नया साल अलग अलग दिन मनाया जाता है और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भी नए साल की शुरुआत अलग अलग समय में होती है, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत मनाई जाती है, क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 31 दिसंबर को 1 वर्ष का अंत होने के बाद 1 जनवरी से नए कैलेंडर वर्ष की शुरुआत होती है। इसलिए इस दिन को पूरी दुनिया में नया साल शुरू होने के उपलक्ष में पर्व की तरह मनाया जाता है। नया साल नई उम्मीदें, नए सपने, नए लक्ष्य और नए आइडियाज़ की उम्मीद देता है, इसलिए सभी लोग खुशी से इसका स्वागत करते हैं। ऐसा माना जाता है कि साल का पहला दिन अगर उत्साह और खुशी के साथ अगर आप मनाएंगे तो पूरे साल उसी उत्साह और खुशी के साथ आपका बीतेगा। 31 दिसंबर की रात से ही कई स्थानों पर अलग अलग समूह में इकट्ठा होकर लोग नए साल का जश्न मनाना शुरू कर देते हैं और रात 12 बजते ही सभी एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएँ देते हैं। नए साल की पहली तारीख के दिन मंदिर और धर्मशालाओं पर बहुत भीड़ आपको देखने को मिलेगी। शॉपिंग मॉल सेंटर, खाने पीने के ठिकानों से ज़्यादा लोग नव वर्ष पर भगवान के दरवाजे पर जाकर हाजिरी लगाकर नए साल पर खुशहाल जीवन का वरदान मांगते हैं। नया साल एक नई शुरुआत को दर्शाता है और हमेशा आगे बढ़ने की सीख देता है। पुराने साल में हमने जो भी किया, जो भी सीखा, सफल हुए, असफल हुए, उससे सीख लेकर नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार हम पुराने साल के समाप्त होने पर दुखी नहीं होते, लेकिन नए साल का स्वागत बड़े ही उत्साह और खुशी के साथ करते हैं, उसी तरह जीवन में भी बीते हुए समय को लेकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया, उसके बारे में सोचने की अपेक्षा आने वाले अवसरों का स्वागत करें और उनके जरिए जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। आप सभी जानते हैं कोविड-19 का कहर हमारी पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। कोरोना वायरस, जिसकी शुरुआत पिछले साल चीन के वुहान प्रांत के सी फूड और पोल्ट्री बाज़ार में हुई, आज दुनिया के लिए एक गंभीर मामला बन गई है। कोरोना वायरस के लक्षण एक मामूली जुकाम से लेकर ज़्यादा गंभीर रोगों की वजह हो सकते हैं। कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों में उसके लक्षण 2 से 14 दिनों के अंदर दिखाई देते हैं। यह लक्षण अधिकतर सौम्य होते हैं और सामान्य रूप से इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। कुछ लोग के संक्रमित होने के बावजूद इनमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। कोई लक्षण ना दिखने पर भी वे संक्रमित हो सकते हैं। आपके शरीर की वायरल लोड एक गंभीर लक्षण वाले व्यक्ति के समान हो सकती है। कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लक्षण कुछ इस तरह हो सकते हैं, जैसे बुखार, थकान, सूखी खांसी, नाक का बंद होना, बहती नाक, गले में खराश, सांस लेने में कठिनाई इत्यादि आपको लक्षण हो सकते हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। यदि आपको कोविड-19 से बचना है, स्वस्थ रहना है, अपने परिवार को स्वस्थ बनाना है, तो अपने हाथों को कुछ समय के अंतर में नियमित रूप से साफ करें, साबुन और पानी का उपयोग करते रहें या अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर से हाथ को धोते रहें। खांसते या छींकने पर अपनी नाक और मुंह को अपनी मुड़ी हुई कोहनी या एक टिश्यू से ढक लें। कोविड-19 से पीड़ित लोगों से या खांसी या छींकने वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें। अपनी आँखें, नाक या मुँह को न छुएं। यदि आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई है तो तुरंत इलाज कराएं। अगर आप बीमार हैं तो पब्लिक वाली जगहों पर ना जाएं, जैसे स्कूल, ऑफिस आप बिल्कुल बंद कर दें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें। यदि आप स्वस्थ तो देश स्वस्थ। कोविड-19 के नियमों का पालन करें, 2 गज की दूरी बना के रखें, किसी को पैर छूकर, हाथ मिलाकर या गले मिलकर नमस्कार न करें। आप दूर से ही 2 गज की दूरी बनाकर आप उनको हाथ जोड़कर नमस्कार कर सकते हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपडेट होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।